बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, ये जो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, ये मैं रोटी तोड़ रही हूँ गरम गरम, और ये मैं इब्राहिम के लिए बना रही हूँ मलिदा, जिसे चूरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको बहुत पसंद है मलिदे के लड्डू। और वीकेंड जो है बहुत अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबका अच्छा गुजारे और जो बीमार हैं उनको शिफा दे, सेहत दे, और जो परेशान हैं उन सबकी परेशानियों को दूर करे। हमद समेत हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे अल्लाह ताला। और देखें, ये मलिदे के लड्डू तैयार हो गए। वीकेंड पे सैटरडे की बात है, मैंने बना दिए थे क्योंकि बच्चे आ जाते हैं जल्दी, और बच्चों को, ये आपको पीछे जो आवाज़ आई होगी ये है हमारे मुर्गी की आवाज़, क्योंकि आपको पता है पेट सक्के में इसी वजह से बहुत कम कम व्लॉग बनाना होता है। तो बच्चे आ गए थे, गर्मी बहुत हो रही है कराची में, तो मैंने बनाया मैंगो शेक और उसके साथ हमने कुछ स्नैकिंग करनी थी, तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे पापड़, ये मैं अपना मग भी लेकर आ गई थी। अच्छा, अब आ गया है संडे। संडे का ये है नाश्ता। संडे को अमूमन एहतमाम के साथ नाश्ता किया जाता है सबके घरों में, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है। तो ये मैंने बनाए थे पराठे वाइट वाले आटे के, और ऑमलेट बनाया था साथ, और ये मेरी जिठानी ने, जो मरियम आयशन की मम्मा ने, चने का सालन भेज दिया था जो बहुत मज़े का था। हमने नाश्ता करा और यहाँ हम गए थे अपने आपी की तरफ, मैं गई हुई थी बच्चों के साथ, तो वो हमें ले गए खोए वाली कुल्फ़ी जो होती ना वो खिलाने के लिए। वैसे वहाँ पे मटका कुल्फ़ी है सब थे, मगर जो खोए वाली कुल्फ़ी होती है ना जो हमारे बचपन के, ये बहुत मज़े की, उसकी कुल्फ़ी बहुत मज़े की थी, बचपन का फ्लेवर याद आ गया। यहाँ सब बच्चे मेरे भांजे हैं माशाल्लाह, मीरब, ये अनमता, मीरब ने मेरे मेहंदी लगाई थी, और अनमता, अहमद, इब्राहिम, फातिमा थे। अच्छा, फिर ये जो है आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और रेसिपी है ये मैक्रोनी की। मैक्रोनी बनेगी चिकन, बीफ, मटन, यानी किसी भी गोश्त के बगैर हम बना रहे हैं यहाँ पे मैक्रोनी। मैक्रोनी को बॉईल कर लिया जिस तरह से करा जाता है। अच्छा, अब जो है हमने यहाँ पे फ्राइज़ बना लिए थे, दो आलू मेरे पास फ्रिज में रखे हुए थे, उसको मैंने फ्राइज़ जो है फ्राई कर लिए, और अंडे तो सबके घरों में होते हैं, तो हमने अंडे जो है दो से तीन अंडे ले लें जितनी आपकी क्वान्टिटी मैक्रोनी की हो। यहाँ पर मैंने तीन अंडे लिए हैं, और इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है, और इसमें डालना है सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च। काली मिर्च आपके पास ना हो तो आप सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सफ़ेद मिर्च ऐड करी थी। अच्छा, शिमला मिर्च मेरे पास रखी हुई थी पहले से, तो मैंने उसमें ऐड कर दी। अगर आपके पास ना हो, ज़ाहिर है हर घर में हर वक्त तो मौजूद नहीं होती, तो आप इसमें सिर्फ हरी मिर्चें भी डाल सकती हैं। अब यहाँ पे मैं अंडों को अच्छी तरह से फेंट के, और फिर इसका ऑमलेट जैसे हम बनाते हैं, तो ऑमलेट जो है कढ़ाई में बना लेंगे हम इसको। फ्राइज हमने बना लिए, आलू तो अमूमन सभी घरों में होते हैं, सिर्फ बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है ये मैक्रोनी बना लें, इसमें ना ही गोश्त डलता है और ना ही जो है ये ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ देखें, ये मैं ऑमलेट बना रही थी, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया भाई, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे, फटाफट से देख लें, सब बिज़ी होती हैं ख़वातीन। अच्छा, ये मैंने ऑमलेट बना लिया, ऑमलेट के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं जब ये फ्राई हो जाए। तो देखें, मैंने तो ऑमलेट में आपको फ़्लेवर बिल्कुल चिकन जैसा फ्लेवर आ जाता है, नमक और काली मिर्चें डाल लें। अच्छा, ये देखें, ये मैं यहाँ पे दिखाई थी थोड़ा। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो फ्राइज़ जो बनाए हुए थे, फ्राइज़ जो हैं बहुत मोटे नहीं करने हैं, और बारीक बारीक फ्राइज़ हों तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैंने यहाँ पे फ्राइज़ ऐड कर दिए, अंडा और फ्राइज़ को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और फिर हमने जो शिमला मिर्च काट के रखी है बहुत ज़रा सी, एक से डेढ़ शिमला मिर्च थी, ये ज़ाया हो जाती तो मैंने सोचा कि चलो हम इसमें ऐड कर देते हैं, वरना इसमें हरी मिर्चें भी पड़ती हैं। और फिर वो हमने उसकी जगह शिमला मिर्च ऐड कर दी, बहुत मज़े का फ्लेवर हो गया था। अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और आपको इसमें जो फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकती हैं, नमक और काली मिर्चें, जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैक्रोनी बॉयल हुई भी, ये हमने ठंडे पानी से गुजार के रख ली थी, यहाँ पर इसको मैक्रोनी को ऐड कर दिया, इसमें मैंने नमक थोड़ा सा और बढ़ा दिया था,
क्योंकि मैक्रोनी जो है थोड़ी मिक्स हुई तो नमक मुझे कम लगना था, इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, एक जान हो जाएं सारी चीज़ें। और इसके बाद हम इसमें जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि जो चिकन की कमी है तो वो इसके फ्लेवर से पूरी हो जाएगी। चिकन पाउडर का फ्लेवर ऐड करेंगे। इसमें हम चाहें तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चिकन पाउडर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें यहाँ पर सोया सॉस ऐड करेंगे और थोड़े से रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और ये वाइट जो है मिर्चें ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद दक्कनी मिर्चें। बस अब जो है यहाँ पर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, रेड चिली सॉस और सोया सॉस वगैरह ऐड करा और बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी मैक्रोनी झटपट सी रेडी हो जाएगी। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, फटाफट से आप एक चूल्हे पे जो है मैक्रोनी रखें और एक चूल्हे पे जो है आप अंडे फ्राई करें, फ्राइज़ बनाएं। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। ये एक दिन पहले की वीडियो है, मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था, इस वजह से और मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और कैसी बनी। बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत मज़े की होती है। मेयोनीज़ और केचप के साथ खाइए। यहाँ बच्चों के थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो ना ही मैंने मेयोनीज़ डाला ना ही केचप। ये ख़ुद भी बहुत ही मज़ेदार होती है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती भी नहीं है। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी क्लिप है, क्योंकि वो जो है हमारी शॉपिंग है जो हमने लास्ट वीडियो में हम गए थे मॉल सेविंग वर्ल्ड में और वहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। थोड़ी सी चीज़ें हैं और कोई इतने प्राइजेस जो हैं हाई भी नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस हैं, तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें अपने लिए ली थी। वो मैंने आप लोगों को कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखें, ये एक भुट्टे की ट्रे थी, ये 160 रुपीज़ की है। मतलब ये ऐसी है कि इसमें हम नगेट्स वगैरह बच्चों को दे सकते हैं, फ्राइज़ या जो है सैलड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ये बैंगन है तो हम इसके अंदर खीरे वगैरह रख सकते हैं, इसको भी सैलड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या इसमें बैंगन का भुट्टा या आलू बैंगन मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊँगी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन। और ये फ़िश की ट्रे थी तो ये मैंने इसलिए ली थी कि इसमें जो है ये शेल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, हर तरह की थी इसमें, छोटी बड़ी सब, और इस हर तरह की आपको नहीं मिलती, बहुत कम एक जैसी मिलेंगी या कुछ की, इसमें हर टाइप की थी। तो मैंने ये फिश वाली ट्रे ली थी कि इसके अंदर इसमें इसको डेकोरेट कर देंगे। और ये एक जो है देखें ये कितनी खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला की क्या शान है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हैं। देखें ये वाली तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। अच्छा, इसके साथ मैंने एक ली थी ये ट्रे, छोटी सी 2 कप चाय की ट्रे। मेरी जो ट्रे थी वो टूट गई थी, 2 कप चाय रखने होते हैं, 2 मग चाय रखने होते हैं क्योंकि मग हैवी होता है, इसलिए तो मैंने ये ट्रे ले ली थी। और ये एक ऑर्गेनाइज़र लिया था और ये देखें बहुत ही अच्छा सा इसमें 6 जो है बॉक्सेस बने हुए थे। और इसमें हम ज्वेलरी भी रख सकते हैं, इसमें हम किचन का सामान भी रख सकते हैं, ये हमारे फ्रिज में भी जा सकता है। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र था और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थी। ये बहुत ही क्यूट सी प्याली थी, ये मैंने ली छोटी सी। अच्छा, इन सब चीज़ों के प्राइजेज़ मालूम करने के लिए या और इस तरह की मुख्तलिफ बहुत ही यूनिक सी चीज़ें देखने के लिए किचन गैजेट ऑर्गेनाइजर्स के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को सर्च करें और वहाँ पे आपको डिटेल में हर चीज़ के प्राइजेस मिल जाएंगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।